हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट दांत का, जो हमारा मुंह का एक डिजीज़ है, उसका नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये डिजीज़ का कारण और ये डिजीज़ का इलाज क्या है, ये सब हम देखने वाला है। इस वीडियो में हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए कि आपका काफ़ी लोग का ये पान पराग का और ये पान मसाला वगैरह, गुटखा, ये सब खाने का जो खतरनाक हैबिट है, इसके कारण क्या क्या नुकसान हो जाता है, ये सब मैं बोलने वाला हूँ। आपका माउथ ओपनिंग काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो कारण किस चीज़ के लिए हो रहा है, ये सब मैं ये वीडियो में बताना चाहता हूँ। और ये हैबिट आप लोग छोड़ने के लिए मदद करने के लिए मैं आपको सब कुछ मेरा प्रोफेशनल नॉलेज देना चाहता हूँ। ये मेरा चैनल है मल्लिकेय डेंटल हॉस्पिटल, ये चेन्नई पर है, तमिलनाडु में है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो में आपको लाइक हो गया, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये डिजीज़ जो है इसका नाम है इंग्लिश में ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसका मतलब क्या है, हमारा मुंह में जो मसल्स है इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू रहता है, ये टिश्यू आप पान मसाला खाते खाते क्या हो जाते हैं, उसमें जो वो इंग्रेडिएंट्स है, वो इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं कि आपका मसाला में जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये टॉक्सिन्स आपको मसल्स को हार्ड कर देते हैं। इसके कारण आपका धीरे धीरे मुंह खोलने का अपॉर्चुनिटी कम होके आपका मुंह बंद हो जाता है। अच्छा, पहला ये डिजीज़ कैंसर आने का काफ़ी खतरा है। ये कैंसरस कंडीशन बोलते हैं, ये कैंसर नहीं है। आप इसको हैबिट नहीं छोड़ेंगे ज़रूर ये कैंसर हो जाएगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ओरल कैंसर, जो मुंह में आने वाला कैंसर जो है, वो सिक्स रैंक में है। आप 1 to 10 में देखेंगे जो भी कैंसर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओरल कैंसर है। ये जो हैबिट जो है, नॉन स्मोकिंग टबाको बोलते हैं, जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, इन लोग को स्मोकिंग टबाको बोलते हैं, जो मुंह में पान मसाला, तंबाकू, खैनी और जो जर्दा, ये सब खाते हैं, इसका नाम है आपको नॉन स्मोकिंग टबाको बोलते हैं इसका। थोड़ा मेरा हिंदी आप एडजस्ट कर सकती है, बिकॉज आई डोंट स्पीक फ्लुएंट हिंदी, बट जो भी मेरा हिंदी है वो आप थोड़ा मान लीजिए। पान मसाला, गुटखा, खैनी, जर्दा, इसमें क्या होता है कि लाइम होता है, लाइम मतलब चूना होता है, दीवार का चूना लगाते ना, उसका इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और निकोटीन होता है, नाइट्रोसामिन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, आपका इसका जूस जो है आपका मुँह में रख के आपका जो यहाँ पर जो मांस है, ये बचपन से आपका सॉफ्ट रहता है, आपका ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। ये जब से आप खाते हो, ये आपको हार्ड रबर जैसा हो जाता है। फिर धीरे धीरे आपका मसल में काफ़ी श्रिंकेज होते होते आपका मुंह खोलने का बंद हो जाता है। अच्छा, इसका अवेयरनेस काफ़ी लोग का नहीं है। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं पूछता हूँ हमेशा, भैया आप ये क्यों खाते हो? लोग बोलते हैं, सर मैं ड्राइविंग ड्यूटी करता हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, काफ़ी रात को मैं नींद खोलना पड़ता है, मेरा स्लीप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मैं ओला में ड्राइवर हूँ, उबर में ड्राइवर हूँ, मैं रात पर दिन भर मैं गाड़ी चलाने के लिए मेरे को ये मदद करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, सर ऐसी मेरा फ्रेंड्स ने मुझे सिखाया, मेरा ऐसा दिया, मेरा ऐसे आदत पड़ गया, अभी इसको मैं छोड़ नहीं सकता। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं, सर मैं छोड़ दिया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ऐसी झूठ बोलते हैं। लेकिन उन लोग का छोड़ने का कोई भी पेशेंट, सर अभी मैं कह रहा हूँ करके अभी तक मेरे ज़िंदगी में नहीं बोला। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, सर मैं अभी छोड़ दिया, मैं क्या करूँ। 2 दिन के पहले एक पेशेंट आई थी, एक सरदारजी साहब है, ये सरदारजी साहब आया था असम से। वो काफ़ी छोटे उम्र का लड़का था, 25 साल का लड़का होता है। वो लड़का बोलते हैं, सर मैं बिज़नेस करता हूँ,
चेन्नई में आता हूँ जाता हूँ, मेरा मुंह में ऐसा एक अल्सर हो गया। मेरा अल्सर के कारण मुझे डर लग गया। फिर मैंने इधर चेन्नई में एक बड़ा हॉस्पिटल में दिखाया, हॉस्पिटल में दिखा के मैंने चेक किया, लोग बोला था आपका मुंह में कैंसर हो सकता है, इसलिए मेरे को लोग बोला था सर आप एक चेकअप कर लो, आप चेकअप करके मुझे दिखा दो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो फोटो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड आप मुझे टाइम दीजिए। ये वीडियो है, आप देख सकते हैं, ये लड़का का मुंह में ऐसा एक अल्सर हुआ। इसका कारण क्या हो गया, इसका मुंह में आप देख लो पूरा पान मसाला का दाग है, पूरा ये पान काके काके ये लड़का का पान काके ऐसा हो गया, और ये मांस जो है फूला फूल गया, हार्ड हो गया, मुंह इतना ही खुला खुला पड़ा, और लड़का का मुंह में दांत भी काफ़ी शार्प था। ये दांत भी उसको ऐसा करके यहाँ पे एक बायोप्सी टेस्ट करके, बायोप्सी में अच्छा हुआ ये आपको कैंसर का स्टेज का पहले पहले का सीन है, आप इसका कैंसर नहीं है, मगर आप इसको छोड़ दो करके दूसरा एक डॉक्टर साहब है, वो जो सर्जन साहब है वो बोल दिया। और मैं दांत का डॉक्टर करके यूट्यूब वीडियो देख के मेरे पास आया था, फिर मैं भी बोला फिक्र मत करो ये कैंसर हुआ नहीं, आप इसको छोड़ दो। कुछ लोग इसके साथ अल्कोहल का टैबलेट्स सॉरी अल्कोहल का जो हैबिट है, इसके कारण ये ज़्यादा बढ़ के कैंसर ज़्यादा जल्दी होने का खतरा है। दोस्तों लोग, आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये हैबिट आपको अच्छा नहीं है, आप इसको छोड़ दो, क्योंकि ये कैंसर हो गया, आपका मेटास्टेसिस होके लंग्स में, हाथ में, बोन में, ब्रेन में चला जाएगा, फिर आपको बचाना बहुत मुश्किल है। काफ़ी यंग उम्र में लोग मर जाते हैं। खाने में अच्छा बच्चे अच्छा लगते हैं, मज़ा लगते हैं, गाड़ी चलाने में सब ठीक लगते हैं, बट आप इतना पैसा कमा के ज़िंदगी भर वो पैसा दे के हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट के लिए इधर उधर करके आपका बीवी बच्चा कितना मुश्किल हो रहा है, आप थोड़ा सोच लो, आपका कितना बीवी आप लोग का बीवी कितना रोते है, बच्चे कितना रोएगा, आपका बच्चा क्या करेगा, आपका लेडी आपका गर्ल बेबी है क्या करेगा, आप सोच लो, आपके बिना आपका फैमिली नहीं है, इसलिए ये हैबिट आप छोड़ दो। चलो इसका ट्रीटमेंट क्या है वो मैं बोलना चाहता हूँ। ट्रीटमेंट दो तरीका का होता है, शुरुआत स्टेज में है, इसको पहले कैसा पहचान लेंगे, मुंह खोलने बहुत कम हो जाते हैं, मुंह काफ़ी कम होने की वजह से आपको खाने में तकलीफ हो जाते हैं, दांत सफाई करने में तकलीफ हो जाते हैं, आपको मुंह में काफ़ी कीड़ा लग गया, कुछ हो गया, आपको ट्रीटमेंट करना भी नहीं आएगा, मुंह नहीं खोलेगा, इंस्ट्रूमेंट जाएगा नहीं अंदर, मुंह में नहीं जाएगा तो काम कैसा करेंगे, इसलिए ये हैबिट आप ज़रूर छोड़ दीजिए। और दूसरा चीज़ क्या है, ऐसा हो गया आप तुरंत एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन या डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन के पास जा सकते हैं, ईएनटी के पास जा सकते हैं। ईएनटी मतलब ये जो कान और नाक का जो डॉक्टर है थ्रोट का, बट बेस्ट पर्सन विल बी ऑलवेज अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट इसको जल्दी पहचान लेते बिकॉज वो रोज मुंह के अंदर ही उसका काम है, सो वो आपको जरूर पता करके आपको इलाज करेंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, दवाई वगैरह लेने से इसका कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है, यह वीडियो देख के प्लीज डोंट आस्क फॉर एनी मैजिक ट्रीटमेंट, आई एम नॉट सेलिंग एनी, मैं शॉर्टकट मारने का आदमी नहीं हूँ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, सो आप सोच लो शॉर्टकट नहीं होता, चलो ये दवाई खा ले, सर मैं पैसा भेजता हूँ आप दवाई भेजो, ऐसा फ़ोन मत करो, इसका कोई ऐसा कोई शॉर्टकट ट्रीटमेंट नहीं, ये प्रॉपर साइंटिफिक वीडियो है। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट थिंग इज आपको हैबिट छोड़ना है, फर्स्ट थिंग द ट्रीटमेंट स्टार्ट विथ लीव यू लीविंग द हैबिट, सो आप हैबिट छोड़ दो। दूसरा क्या है, सेकेंड इज इंजेक्शनल स्टीरॉयड्स देते हैं डॉक्टर साहब आप लोग को, टॉपिकल अप्लीकेशन ऑफ स्टीरॉयड, स्टीरॉयड की ऑइंटमेंट होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, वो आप लगाएंगे। तीसरा क्या है, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स करके वो मिलते हैं, वो प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये जो मुंह में जो हो रहा है वो एंटी इन्फ्लेमेशन करते हैं, प्लेसेंट्रैक्स ह्यूमन प्लेसेंटा से जो निकलते हैं एक्सट्रैक्ट उसका प्लेसेंट्रैक्स बोलते हैं, उसको दे देंगे
फोर्थ चीज क्या है, हाइलुरोनिडेस, इसका नाम है यह टॉपिकल हाइलुरोनिडेस। क्या करते हैं, आपका सिम्टम को जल्दी जल्दी ठीक करते हैं। फिफ्थ ट्रीटमेंट क्या है, आईएफएन गामा क्या है, ये इसे एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइन। ओके, ये क्या करते हैं, आपका जो कोलाजन, जो मुंह में मांस बनने का कोलाजन सिंथेसिस होता है, ये कोलाजन को रुकने के लिए आईएफएन गामा काफ़ी हेल्प करते हैं। फोर्थ चीज क्या है, लाइकोपिन। लाइकोपिन क्या होता है, आपको ये लाइकोपिन क्या है, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट करते हैं ये। आपको ये इंजेक्शन में आते हैं बीटा मेथासोन के साथ, इसको मिलके ट्वाइस हम देंगे, आपको ठीक हो जाएगा। सिक्स्थ ट्रीटमेंट क्या है, पेंटॉक्सीफाइलिन। पेंटॉक्सीफाइलिन करके एक चीज़ है, ये भी हम देते। ओके, ये मेडिकल मैनेजमेंट है। लेकिन काफ़ी लोग जो हमारे पास जब आते हैं, काफ़ी लोग जब हमारे पास आने का टाइम है, बहुत मुंह बंद होके आते हैं। सो क्या क्या करते हैं, पहले हम सर्जिकल केयर मतलब छोटा ऑपरेशन हम मुंह में करेंगे। फर्स्ट चीज क्या करते हैं, ये जो मुंह में बांस जो है, इसका जो फाइबरस बैंड्स है, ये फाइबरस बैंड्स को हम ब्लेड से अंदर से, मुंह के अंदर से, बाहर नहीं, अंदर से जो बैंड है जो इसके मांस के अंदर, वो पूरा हम काट देते हैं। तीसरा क्या है, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग। क्या करते हैं, ये टेम्पोरलिस मसल, ये हम पे अंदर से हम मसल लेके इधर स्प्लिट करके डालते हैं। काफ़ी लोग का ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सर्जरी हो जाता है, आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, नेसोलेबियल फ्लैप एंड लिंगुअल पेडिकल फ्लैप, ये हम करते हैं। टेक्निकली काफ़ी सर्जिकल प्रोसीजर से मुंह खोल सकते हैं। ओके, काफ़ी लोग पूछते हैं सर लेज़र में क्या होता है। लेज़र में दो होते हैं, एक होता है KTP-532 लेज़र, इसमें क्या है कि हम माउथ ओपनिंग के लिए लेज़र बैंड्स को काट सकते हैं। दूसरा YSGG लेज़र बोलते हैं, RBM लेज़र बोलते हैं इसका, इसमें लेज़र फाइब्रोटॉमी करके लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। मगर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, हमको लेना पड़ेगा सर्जरी। सो आप ये वीडियो देख के कुछ आइडिया हो गया आपको, ये मुंह बंद हो गया तो मैं क्या करना है। आपको पहले हैबिट छोड़ना है, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास दिखाना है, सर्जन के पास, ओरल सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास दिखा सकते हैं, और बिल्कुल आप ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर लीजिए और ये हैबिट छोड़ दीजिए। आपका हैबिट आपसे कम है, आपसे बड़ा नहीं, ये हैबिट आपको कंट्रोल नहीं करना है, आप हैबिट को कंट्रोल करना है। फिकर मत कीजिए, और कोई डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस है, आप सीधा आकर दिखा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आपका जो भी डाउट है, ये फ़ोन नंबर में आप पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो आपको यूजफुल ज़रूर होगा, हमको पता है, ये थोड़ा आप शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।